अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, शान से बी3 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। मैंने पैन में घी डाला है, आज हम ऑयल में नहीं बना रहे, आज हम घी में बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया कि हम कुछ सालन ऑयल में बनाते हैं, कुछ घी में बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए, प्याज के अंदर ही मैंने हरी मिर्च क्रश की थी, एक साथ ही मैंने डाल दिए। अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। आप देख लें कि आज मैंने आलू पालक के सालन में घी ज़्यादा डाला है, वैसे मैं अक्सर खानों में घी कम डालती हूँ। ऐसा ऐसा ये फ्राई होते जाएंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल कर रहे हैं। पालक के अंदर मैंने एक ही बड़े वाला टमाटर यूज़ किया है। अगर आप लोगों ने कल वाला मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर मैंने सारी प्रिपरेशन दिखाई है इसकी। आज से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे नमक, मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, ये इफेक्ट्स की वजह से कुछ सही वादे समझ में नहीं आ रहा। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इन्हें पका लेंगे अच्छी तरह। दूसरी तरफ मैंने पालक बॉयल होने के लिए रख दी है। ऐसा ऐसा हमारा तड़का पक रहा है, जैसे ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने बॉयल नहीं किए। मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। बाद दफ़ा मिर्चें इस तरह की आ जाती हैं कि वो नीचे लगना शुरू हो जाती हैं। पीछे अजान होना शुरू होगी इसलिए मैं खामोश हो गई हूँ। इस स्टेज पे आके अब मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं और आलू मेरे कच्चे हैं, बॉयल नहीं किए हुए। इसे हम तड़के में डाल के अच्छी तरह पका लेंगे।
यहाँ पे आलू तड़के के अंदर फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी हमने इतना डालना है जिसमें आलू गल जाएं। ढक्कन दे के थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए इसके अंदर मैंने पानी इतना ही शामिल किया जितने इसमें आलू गल जाएंगे, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं, बॉयल नहीं किए मैंने। अब हम ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। अजान भी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे देखें जी हमारे आलू गल चुके हैं और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसके अंदर बॉयल्ड पालक डालेंगे जो हमने पहले से उबाल रखी है, साथ में वो डालेंगे। पालक का पानी हमने निचोड़ लिया है और वो शामिल करेंगे इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे मैंने पालक इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम आलू और पालक दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह पका लेंगे, जब तक के पालक का पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें यहाँ पे पालक का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे प्रेजेंटेशन के लिए अलग-अलग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने इसे बाउल में निकाल लिया है, इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे और मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। इसी के साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए व्लॉग में आपसे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।